रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने के लिए फिर उठी मांग। रोहित शर्मा इस वक्त सीमित प्रारूप में टीम इंडिया के उपकप्तान हैं और अब उनको कप्तान बनाए जाने की मांग उठी है। बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि विराट कोहली को आराम देने के लिए T20 प्रारूप में अलग कप्तान बनाया जा सकता है और रोहित शर्मा इसके लायक भी हैं। साक्षात्कार के दौरान अगर कप्तान को लेकर जब युवराज सिंह के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है, पहले सिर्फ दो ही प्रारूप होते थे, अब 3 प्रारूप, अगर उस पर दबाव ज्यादा है तो उसके लिए T20 फॉर्मेट का अलग कप्तान बनाया जाना चाहिए। रोहित ने खुद को सफल कप्तान साबित किया है और इसका फैसला टीम मैनेजमेंट को लेना ही होगा। विराट कितना दबाव झेल सकते हैं, यही नहीं युवराज सिंह ने तो रोहित को टेस्ट ओपनर बनाए जाने पर भी राय दी है। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया ने रोहित शर्मा को ओपनर बनाने में काफी देर कर दी है। युवराज ने कहा है, मेरा मानना है कि रोहित शर्मा को बहुत पहले ही ओपनिंग का मौका देना चाहिए था। टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को नंबर 6 पर उतारा है और इसके बाद उन्हें काफी मैचों में प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया। इस फेरे में उनका काफी समय भी बर्बाद हो गया। बता दें कि यूवी के अलावा और भी कई लोगों ने रोहित को ओपनिंग दिए जाने की मांग की थी। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 अक्टूबर से होने वाली सीरीज में रोहित बतौर ओपनर नजर आ सकते हैं। रोहित शर्मा को कप्तानी मिलनी चाहिए या नहीं, अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।